जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारत माता के गौरव पुत्र की जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने पूरे जीवन की आहुति दे दी और खेलों के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी हॉकी की स्टिक के साथ गेंद चिपक जाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस जिनकी स्मृति में मनाया जाता है, ऐसे मेजर ध्यानचंद के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका जन्म आज ही के दिन 1902 में हुआ था। हॉकी में कैसे उन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और कैसे देश ने उनको भुला दिया। आज मैं यदि बात करूं तो चीन, अभी आपको ध्यान हो 2016 में रियो में ओलंपिक हुए थे, उन सारे ओलंपिक में हमारे केवल 2 मेडल आए थे और चीन के 70 से अधिक मेडल आए थे। तो उस समय चीन के चाइना पोस्ट ने, चीन के ग्लोबल टाइम्स ने हमारी भर भर के खिल्लियां उड़ाई थी। क्या कहा था कि 135 करोड़ की आबादी में केवल 2 मेडल आए और भारत के अंदर कोई चर्चा करने वाला नहीं है, कोई चिंता नहीं और इनको शर्म भी नहीं आती। और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने हमारा मजाक उड़ाते हुए ये भी लिखा कि यदि भारत को कुछ सीखना है तो चीन से सीख सकता है, हम उनको सिखाने के लिए आ सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं कि मेडल कैसे लाए जाते हैं, जीता कैसे जाता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत एक ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है कि जिसमें हमें अपनी नज़रों को नीचा करना पड़ता है। अपना भारत क्या था? चीन वो था जिसके पास 1960-70 तक जिसका एक मेडल नहीं आता था, और भारत वो था जिसने 1900 से ही शुरू करके मेडल जीतने शुरू कर दिए थे। 1928 का, 1932 का, 1936 का, ये ओलंपिक तो ऐसे थे जिसमें हॉकी में गोल्ड मेडल लाने का काम भारत ने किया था। चीन कहीं दिखाई नहीं देता था। उस चीन ने 1970-80 के बाद अपनी पॉलिसी को चेंज किया और पॉलिसी को चेंज करके आज चीन ओलंपिक विनर की श्रेणी में टॉप 10 में शामिल है, टॉप 5 में शामिल है। तो चीन आज हमारा मजाक उड़ाता है। हम यदि मेजर ध्यानचंद को याद रखते, मेजर ध्यानचंद के रास्ते पर चलते, तो हमारी ये हालत नहीं हो सकती थी। मेजर ध्यानचंद जी को आज हम स्मरण करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनको वंदन करेंगे और कैसे भारत मेजर ध्यानचंद के रास्ते पर चलकर दोबारा से खेलों के मामले में भी पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो सकता है। और देखिए, दुनिया में जितने खेल हैं उन खेलों में से एक बड़ी लिस्ट उन खेलों की है जिनका आविष्कार भारत के अंदर हुआ। आपने महाभारत पढ़ी है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया था, जो यमुना नदी में एक काले नाग के रूप में, राक्षस के रूप में रहता था। तो भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के अंदर बॉल लेने के लिए गए थे। उस समय से हमारे यहाँ फुटबॉल खेली जाती है, बॉल खेली जाती है। शतरंज का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ, सांप सीढ़ी का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ, धनुर्विद्या का आविष्कार हमारे यहाँ पर हुआ। हमारे यहाँ पर ही कुश्ती का, मल्ल युद्ध का, दंगल का, अखाड़ों का, इनका आविष्कार भारत में हुआ है। खो खो का आविष्कार भारत में हुआ, कबड्डी का आविष्कार भारत में हुआ। इतने खेल देने वाला देश, आज जो पोलो बना है, ये पोलो भी मणिपुर के परंपरागत खेल से इंस्पायर होकर बनाया गया। 1892 में तो सांप सीढ़ी, जो इंडोर गेम है, जो एक तरीके से नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला गेम है कि यदि हम लालच करेंगे, लालच के रास्ते पर ऊपर बढ़ेंगे तो सांप खा जाएगा और हमें नीचे गिरना पड़ेगा, तो उस सांप सीढ़ी को 1892 में अंग्रेज वहां पर लेकर गए कि हम भी अपने लोगों को कुछ थोड़ा सा नैतिक बना सकें, मॉरल वैल्यूज को बूस्ट कर सकें। तो ऐसे खेल देने वाले भारत की ऐसी स्थिति क्यों है? तो सबसे पहले हम मेजर ध्यानचंद जी को नमन करते हैं। इसलिए नमन करते हैं कि मेजर ध्यानचंद को नमन करेंगे तो किसी भी गांव का एक छोटा सा बच्चा जिसके पास हॉकी की स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जो पेड़ की टहनी से, लकड़ी से स्टिक बनाकर खेल कर प्रैक्टिस करता है, और वो कैसे उस समय दुनिया को झुकाने का सपना देखने वाले हिटलर को झुका देता है। हिटलर को उसको ऑफर करना पड़ता है कि तुम भारत के अंदर तो लांस नायक के पोस्ट पर हो, यदि तुम जर्मनी में आ जाओगे तो मैं तुम्हें मार्शल बना दूंगा और तुम्हें खूब पैसे दूंगा, तुम जर्मनी की ओर से खेलना शुरू कर दो। आज उसी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है, उनकी जयंती है, जिन्होंने हिटलर के इस प्रस्ताव को बड़े स्वाभिमान के साथ ठुकरा दिया था कि मुझे यदि खेलना है तो अपने भारत के लिए खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है। और अपने देश ने उनको क्या दिया, क्या स्थिति उनकी अंतिम
समय में हुई और देश में आज जो खेलों की दुर्दशा है उसके कारण क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करते हुए हम सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जी को नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जो ऐसे महापुरुष थे जिनके रास्ते पर यदि हम चलते, हम जिनको स्मरण रखते तो आज भारत भी खेलों की जब ओलंपिक विनर्स की लिस्ट निकलती तो उसमें पहले स्थान पर होता। अभी तो भारत की स्थिति यह है कि अंतिम में हम अपना स्थान देखते हैं कि अंतिम में से पहले स्थान पर हैं कि दूसरे स्थान पर हैं कि दसवें स्थान पर है। तो मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनकी जीजीवशा ऐसी थी कि जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन जब उनका हॉकी से परिचय हुआ और हॉकी से जब एक बार परिचय हुआ तो वो रात को चांद की रोशनी में जागकर पूरी पूरी रात प्रैक्टिस करते रहते थे। उनके कोच जो उनको सिखाते थे, चांदनी रात में प्रैक्टिस करने के कारण ही उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यान चंद्र पड़ गया कि ये ध्यान चंद, ध्यान चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए इनको आज से ध्यान चंद्र कहा जाता था। एक बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ, ऐसा गरीब परिवार जिसके पास खाने के लिए गारंटी नहीं कि सुबह खाना मिला तो शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत गरीब परिवार में जन्म होने के कारण जब गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, छठी कक्षा तक केवल पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं थी, तो उस समय अंग्रेजों के जमाने में भर्ती बहुत होती थी। तो 1918 में 16 साल की आयु में ब्राह्मण रेजिमेंट के नाम से एक रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाई हुई थी, उस रेजिमेंट में भर्ती हो गए। रेजिमेंट में जब गए तो वहां पर सैनिकों को हॉकी खेलते हुए देखा, हॉकी खेलते हुए देखा तो हॉकी में रुचि जागृत हुई कि कोई ना कोई खेल खेलना है, तो इस हॉकी को खेलना शुरू कर दिया। हॉकी की प्रैक्टिस वहां पर करनी शुरू कर दी। हॉकी की प्रैक्टिस करते हुए अभ्यास जिजीविषा बहुत थी कि मुझे कुछ करना है, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे, सीमित तो संसाधनों से प्रैक्टिस करते रहते थे। उनके एक कोच वहां पर थे, उन कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचाना कि इनके हाथों में जादू है, ये बहुत फुर्तीले हैं, ये हॉकी के अंदर बड़ा काम कर सकते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो पूरे मन से ध्यानचंद ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और प्रैक्टिस शुरू करते करते आज हम टेनिस खेल के अंदर जैसे आइसबर्ग का नाम लेते हैं, ब्योनबर्ग का नाम लेते हैं, क्रिकेट में जैसे हम क्रिकेट के लोह पुरुष, क्रिकेट के महानायक ब्रैडमैन का नाम लेते हैं, फुटबॉल की जब बात होती है तो पेले का नाम आता है, ऐसे ही पूरी दुनिया में जब कभी हॉकी की बात होती है तो ध्यानचंद का नाम आता है। बर्लिन में, लॉस एंजल्स में, पूरी दुनिया में 1930 के दशक के वो लाखों खेल प्रेमी थे जो मेजर ध्यानचंद को देवता की तरह पूजा करते थे। आज भी वियना के अंदर एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम के अंदर मेजर ध्यानचंद की एक फोटो लगी हुई है। उस फोटो में खास बात क्या है कि मेजर ध्यानचंद के चार हाथ बनाए गए हैं और चारों हाथों में हॉकी की स्टिक पकड़ाई हुई है, जो ये दिखाती है कि मेजर ध्यानचंद इतने फुर्तीले थे, इतनी तेजी के साथ हॉकी खेलते थे कि ऐसा लगता था कि एक खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, चार खिलाड़ी खेल रहे हैं। चारों खिलाड़ियों की तरह फुर्ती, चार खिलाड़ियों की तरह गेंद को हैंडल करना और गोल करना, बबलिंग करना, गेंद को पास करना, ये मेजर ध्यानचंद करने का काम करते थे। 3 बार भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है मेजर ध्यानचंद। बचपन में जब खेलते थे तो खेलते खेलते जब उनके खेल को उनके कोच ने देखा तो कोच ने उनको अपने पास बुलाया और कोच ने कहा कि तुम फुर्ती तो बहुत दिखाते हो, गेंद को डबलिंग भी बहुत करते हो, गेंद को बार बार अपने पास करके हॉकी की स्टिक को घुमाकर दूसरों को चकमा देने का काम भी करते हो। तो उन्होंने उनको समझाया कि केवल डबलिंग नहीं करनी है, केवल गेंद को घुमाना नहीं है, दिमाग से खेलना है। और उन्होंने उस समय बताया कि हमें दुश्मन को हराना है तो मैदान के ऊपर हमारे साथियों की क्या पोजीशन है, दूसरे खिलाड़ी की क्या पोजीशन है, दूसरों को कब पास देना है और कौन सा पास, कौन सी स्ट्राइक केवल गोल बनेगी, ये कैसे सुनिश्चित करना है। तो हॉकी को केवल फुर्ती से नहीं खेलना, केवल हॉकी की स्टिक से नहीं खेलना, हॉकी को दिमाग से खेलना है, ये उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था और उसी को फिर सारी उम्र वो अप्लाई करते रहे। ऐसे अप्लाई करते रहे कि ध्यानचंद के बारे में ये कहा जाता था कि यदि वो आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर उनको मैदान के किसी कोने में खड़ा कर दिया जाए और वहां से उनको गोल करने के लिए कहा जाए तो वहां से भी वो बिल्कुल ठीक गोल करते थे। जैसे शतरंज का कोई खिलाड़ी शतरंज खेलता है तो शतरंज की 10-12-15 चालें वो अपने मस्तिष्क में पहले से ही सोच लेता है, ऐसे ही मैदान का एक एक इंच मेजर ध्यानचंद के मस्तिष्क के अंदर छप जाता था कि उनकी पोजीशन क्या है,
दुश्मन के खिलाड़ियों, प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों की पोजीशन क्या है, सहयोगी खिलाड़ियों की पोजीशन क्या है, और किस कॉर्नर से, किस गति से, कितनी फोर्स के साथ स्ट्रोक मारा जाए कि वो सीधा गोल बने, ये उनकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त थी। इतनी जबरदस्त थी कि एक बार उन्होंने गोल किया और गोल, जो गोल पोस्ट होता है, पोस्ट का जो पोल होता है, उस पोल से बॉल टकरा गई। हॉकी की बॉल उस पोल से टकरा गई। उस पोल से टकराने के बाद मेजर ध्यानचंद ने कहा कि हो नहीं सकता कि ये गोल ना बने, यदि ये गोल नहीं बना तो इसका मतलब इस पोल की लंबाई चौड़ाई के अंदर कुछ कमी है। बाद में जब नापा गया तो ये पाया गया कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिनके ऊपर उस समय हॉकी खेली जाती थी, वो जो गोल पोस्ट बनाया गया था, गोल पोस्ट आप देखते हैं, तो उस गोल पोस्ट में उसकी दूरी कुछ इंच कम थी। यदि वो दूरी एग्जैक्ट बनाई होती तो वो गेंद गोल के अंदर ही जाती। इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन मेजर ध्यानचंद की थी। मेजर ध्यानचंद, मैंने बताया कि 16 साल की उम्र में ही खेलना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस बहुत करते थे, अभ्यास बहुत करते थे, निरंतर अभ्यास करते थे, कभी भी मेहनत से, परिश्रम से जी नहीं चुराते थे। अपनी टीम के साथ जब खेलते थे तो ऐसे खेलते थे कि टीम को एक परिवार की तरह रखते थे, एक परिवार की भावना से, इमोशनल अटैचमेंट के साथ खेलते थे। हम उनके किस्सों की बात करेंगे मेजर ध्यानचंद के बारे में। ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद के बारे में, उनकी स्टिक के साथ गेंद चिपक जाती थी। हॉलैंड में एक बार मैच चल रहा था, अब मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे तो बॉल अपने आप उनके पास जाती थी, जैसे वो बॉल को, जैसे हम चलाना चाहें वैसे वो बॉल चलती थी। तो खेलते खेलते हॉलैंड की टीम, जो उस समय ये माना जाता था कि हॉलैंड की टीम बहुत अच्छी है, और अभी भी हम बात करें तो पिछले 5-7-10 सालों की भी हम बात करें वर्ल्ड लेवल के ऊपर हॉकी की देखते हैं, तो हॉलैंड की टीम बहुत अच्छे देशों की टीम के अंदर आती है। तो हॉलैंड की टीम ने कहा कि ये जो मेजर ध्यानचंद है, इसने अपनी स्टिक के अंदर कोई मैग्नेट लगाई हुई है, और ये जो बॉल है उस मैग्नेट से चिपकती है, इसके कारण बार बार ध्यानचंद के पास जाती है और ध्यानचंद के पास ही वो बॉल रहती है, दूसरे और इस गेंद को ले नहीं पाते। तो मेजर ध्यानचंद की स्टिक को तोड़ा गया। कई बार ऐसा हुआ, जापान में एक बार मैच चल रहे थे, जब जापानी टीम को बुरी तरह से हराया मेजर ध्यानचंद ने, तो जापानी टीम बुरी तरह से हारने के बाद उन्होंने कहा कि जी हम हार तो गए, लेकिन हम मेजर ध्यानचंद की स्टिक को तोड़कर देखना चाहते हैं कि कहीं इन्होंने इसके अंदर कोई ऐसा गोंद तो नहीं लगाया हुआ जो गेंद को अट्रैक्ट करता हो, जो गेंद को चिपकाने का काम करता हो। क्योंकि जब मेजर ध्यानचंद चलते थे तो गेंद ऐसे लगती थी कि चुंबक की तरह, जैसे चुंबक किसी चीज के आसपास नाचती है, ऐसे ही गेंद स्टिक के साथ साथ चलती थी। तो जापान के अंदर भी उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया, स्टिक बदलवा कर देखी गई। एक जगह तो ऐसा हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी की मिसेज ने, मैम ने उनसे ये कहा कि तुम स्टिक के साथ खेलते हो, स्टिक के साथ तो तुमने कोई जादूगरी की हुई है, यदि तुम उन्हें खेल कर दिखा सकते हो तो ये जो छाता है ना, आप देखते हैं पुराने छाते हॉकी स्टिक की तरह होते हैं, टांगने के लिए नीचे हुक बना रहता है, तो उन पुरानों छातों की तरह तुम अगर खेल के दिखा सकते हो तो हॉकी की स्टिक को छोड़ो, इस छाते के साथ खेल कर दिखाओ। और इंटरनेशनल लेवल पर, विदेशी भूमि के ऊपर मेजर ध्यानचंद ऐसे हॉकी के जादूगर थे जिन्होंने उस उल्टे छाते से खेल कर गोल करके दिखाए। जब वो गोल करते थे ना, ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हुआ जिसमें ब्रैडमैन और मेजर ध्यानचंद दोनों एक साथ थे। ब्रैडमैन क्रिकेट के बहुत बड़े महानायक माने जाते हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं, कि वो रनों की बरसात करते थे। मैंने नहीं देखा है, क्रिकेट को मैं नहीं जानता बहुत गंभीरता से, गहराई से, लेकिन ब्रैडमैन का नाम मैंने भी सुना है। इसका मतलब क्या है कि जिनको क्रिकेट से बिल्कुल रुचि नहीं वो भी ब्रैडमैन के नाम को जानते हैं, क्योंकि उनका नाम इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही ध्यानचंद का नाम भी इतना बड़ा नाम है कि खेल की दुनिया का या खेल से प्रेम रखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो मेजर ध्यानचंद के नाम को ना जानता हो। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के अंदर तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोगों के नाम को दबाया गया, छुपाया गया, कभी भारत रत्न भी नहीं दिया गया। पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार के नाम पर हैं। दिल्ली में हम जाते हैं तो स्टेडियम बना हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बहुत अच्छी बात, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। अवार्ड दिया जाता है, खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, तो राजीव गांधी जी के नाम पर अवार्ड दिया जाता है। राजीव गांधी जी के अंदर बहुत योग्यताएं हो सकती हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन राजीव गांधी जी मेरी तरह के इंसान रहे होंगे जो अपनी गली में कभी गिल्ली डंडे में भी नहीं जीते, जिन्होंने कभी कंचे भी नहीं खेले हों, जिन्होंने कभी कोई खेल में कभी किसी गली लेवल की, गांव लेवल की, कॉलोनी लेवल के टूर्नामेंट को भी कभी जीता हुआ नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम पर यदि स्टेडियम के नाम रखे जाएंगे, पुरस्कारों के नाम रखे जाएंगे, प्रतियोगिताओं के नाम रखे जाएंगे,
ऐसे नामों के ऊपर यदि स्कॉलरशिप दी जाएगी तो भारत के अंदर कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेजर ध्यानचंद के नाम को हम ना जाने और हम ऐसे लोगों के नामों को जाने जिनका खेल के अंदर कोई योगदान नहीं है। लेकिन दुनिया की मैं बात करूं तो दुनिया में आज भी मेजर ध्यानचंद के नाम को पूजा जाता है। कैसे पूजा जाता है? मेजर ध्यानचंद ने 1948 में हॉकी खेलनी छोड़ दी, उन्होंने जब संन्यास ले लिया। हम उनके बीच की बातचीत भी करेंगे लेकिन उनके नाम की महिमा कितनी है मैं ये एक प्रसंग आपके साथ साझा करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक सिंह एक बार किसी दूसरे शहर में गए, जर्मनी के किसी शहर में गए जहां पर 1936 में बर्लिन में मेजर ध्यानचंद ने अपनी स्टिक से जादूगरी दिखाई थी। तो वो कहते हैं कि जिस स्टेडियम के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा था वहां पर एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर के ऊपर मिलने के लिए मुझसे एक जर्मन का व्यक्ति आया और उसने पूछा कि अशोक सिंह कौन है, मेजर ध्यानचंद के बेटे कौन है, मुझे उनसे मिलना। वो जब मिले तो स्ट्रेचर के ऊपर आए हुए व्यक्ति ने उनको वो कटिंग दिखाई 1936 की, 36 साल पहले की कटिंग दिखाई कि देखो तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, मेजर ध्यानचंद ऐसे खेलते थे, ऐसे गोल करते थे, ऐसे उस समय उनके बारे में अखबारों में छापा गया था कि जादू, जादू की छड़ी, जादूगर। और पूरा बर्लिन शहर उमड़ आया था, 40,000 लोग उस समय फाइनल में जब जर्मनी और भारत का मैच था, बर्लिन का ओलंपिक था 1936 में, जब हिटलर देखने के लिए आया हुआ था तो 40,000 लोगों से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तो उस समय की वो सारी बातें उनसे करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके पिताजी पूरी दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी रहे हैं। तो उनका बेटा कहता है कि जर्मनी में जिनका नाम इतना बड़ा है कि जिनके नाम को लेते हुए लोग स्ट्रेचर के ऊपर उनके बेटे से मिलने के लिए आ सकते हैं, उनके बेटों को, उनके परिवारों को या इस देश में उन जैसे दूसरे खिलाड़ियों को जिन्होंने गरीबी में जन्म लिया है उनको प्रोत्साहन देने का कोई काम नहीं किया जाता। तो इतना बड़ा मेजर ध्यानचंद जी का नाम रहा है। तो मेजर ध्यानचंद जी ऐसे बड़े महानायक थे, महाखिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म को आज खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उससे पहले कोई भी ये नहीं जानता था कि राष्ट्रीय खेल दिवस नाम की कोई चीज होनी चाहिए या किसी एक खिलाड़ी के जन्मदिवस के नाम पर रखी जानी चाहिए। बाद में मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण भी दिया गया लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनके लिए भारत रत्न का पुरस्कार भी, मुझे लगता है कि पुरस्कार खुद गौरवान्वित होता। अपने देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने खुद को ही साइन करके अपने हाथों से अपने आप को भारत रत्न दे दिया था। भारत रत्न यदि वो मेजर ध्यानचंद जैसे व्यक्तियों को देते तो पुरस्कार की गरिमा और ज्यादा बढ़ जाती और भारत के अंदर मेजर ध्यानचंद जैसे लोग और पैदा होते। मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा ऐसी थी, इतनी प्रतिभा थी कि मेजर ध्यानचंद जब ग्राउंड के ऊपर खेलते थे तो ग्राउंड के किसी भी कोने में खड़े होकर वो गोल कर सकते थे। मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे तो ग्राउंड पूरा एक एक इंच उनके मस्तिष्क के अंदर छपा रहता था, जैसे शतरंज खेलते हैं तो उसे शतरंज की तरह छपा रहता था। वो जर्मनी में बर्लिन में जब खेलने के लिए गई, कितनी स्किल थी उनकी। उन्होंने एक फ्रेंडली मैच जर्मनी की टीम के साथ खेला, जर्मनी के लोगों ने कहा कि ये हमारी बी टीम है, मतलब ये हमारी मेन टीम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके साथ कर लीजिए। फ्रेंडली एक मैच खेला गया, उस मैच में जर्मनी की टीम ने मेजर ध्यानचंद की टीम को हरा दिया था। मेजर ध्यानचंद की टीम 1936 में जर्मनी से हारने के बाद मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि हम में से किसी भी खिलाड़ी ने खाना नहीं खाया, रात को हमें नींद नहीं आई कि जर्मनी की टीम हमें हरा कैसे सकती है। तो ऐसा मेजर ध्यानचंद की पकड़ थी। उसके बाद 1936 में जब बर्लिन में मेजर ध्यानचंद के साथ जर्मनी का जब फाइनल मैच हुआ, फाइनल जब मुकाबला हुआ, मेजर ध्यानचंद ने खेलना शुरू किया। खेलते खेलते शुरू के फर्स्ट हाफ में जर्मनी को 6 गोल से पीछे कर दिया। हिटलर उस समय देखने के लिए आया हुआ, 40,000 और दर्शक वहां पर आए हुए थे, सबके बीच में भारत की टीम जर्मनी की पिटाई कर रही थी। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले जब जर्मनी के इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड के ऊपर जब मेजर ध्यानचंद ने देखा कि जूतों के ऊपर पूरी ग्रिप नहीं बन पा रही है तो उन्होंने अपने जूते निकाल दिए थे और नंगे पैर खेलते थे। दूसरी टीम जहां महंगे जूते पहनकर खेलती थी, ध्यानचंद की टीम नंगे पैर खेलती थी। नंगे पैर खेलकर उन्होंने ये गोल किए थे और गोल करने के बाद जब मिड हाफ में हिटलर ने देखा कि जर्मनी की टीम की पिटाई हो रही है तो हिटलर उठकर चला गया। हिटलर के जाने के बाद वहां की, अब देखिए हिटलर का 1936 का समय क्या है, उग्र राष्ट्रवाद का समय है। हिटलर ने जो ओलंपिक गेम
प्रायोजित करवाए थे वो केवल दिखाने के लिए करवाया गए थे कि जर्मनी अब वर्ल्ड पावर बन रही है। खूब पानी की तरह पैसा खर्च किया गया था और हिटलर को यह लगता था कि ओलंपिक खेलों में भी जर्मनी की जीत होनी चाहिए। और जर्मनी के अंदर खिलाड़ियों के ऊपर भी बहुत दबाव होता था और जर्मनी के अंदर ऐसा था कि यदि हिटलर के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, हिटलर यदि नाराज हो गया तो गोली भी मरवा सकता है, क्योंकि हिटलर को तानाशाह कहा जाता था। आज की दृष्टि से देखें तो जैसे किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, वैसे ही। तो जब जर्मनी की टीम हारने लगी तो जर्मनी की टीम के एक खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद के मुंह के ऊपर हॉकी स्टिक को मारा, उनका एक दांत टूट गया। वो मैदान से बाहर गए, अपनी ड्रेसिंग करवाई, ड्रेसिंग करवाने के बाद फिर वापस आए तो उनकी टीम के लोगों ने कहा कि हम भी बदला लेंगे, हम भी एक दो खिलाड़ी की टांग या दांत तोड़ेंगे। अब मेजर ध्यानचंद ने कहा कि नहीं, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि हम खेलेंगे और हम इनको दिखाएंगे कि बॉल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बॉल को कैसे अपने इशारों के ऊपर नचाया जाता है। अब मेजर ध्यानचंद और उनकी टीम ने खेलना शुरू किया। अब खेलते खेलते 10-12 बार ऐसा हुआ कि मेजर ध्यानचंद की टीम बॉल को गोल पोस्ट के पास लेकर जाती और गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने लाकर गोल पोस्ट के ऊपर बॉल को ऐसे शो करती कि वो गोल पोस्ट के ऊपर मारने वाले हैं और उसको वापस ले आती। पूरे मैदान में भारतीय टीम के लिए तालियां बज रही थी, लेकिन हमारी भारतीय टीम ने, मेजर ध्यानचंद ने गांधीगिरी दिखाते हुए एक तरीके से सत्याग्रह करते हुए कि तुम्हारे मैदान के ऊपर है और तुमने ये गलत किया है, दांत तोड़कर हॉकी की स्टिक को एक हथियार के रूप में उठाते हुए चोट मारकर ये गलत किया है। तो अपने उस सत्याग्रह से, अपने अहिंसा के संदेश से उन्होंने 10-12 बार ऐसे दिखाया बॉल को, वो गेंद को गोलकीपर तक लेकर जाते और वहां से वापस ले आते, गोल नहीं करते। तो वो गोल करने से भी ज्यादा बड़ी बेइज्जती करने का काम जर्मनी टीम का हो गया था। उसके बाद जब वो जर्मनी की टीम के बाद जब वो जीते और जीतने के बाद जब हिटलर उनको प्राइज देने का काम कर रहा था तो हिटलर ने उस समय उनको कहा, उनसे पूछा कि तुम क्या हो भारतीय सेना में। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा, मेजर बाद में बनाए गए थे, बहुत बाद में 1945-46 के बाद, उससे पहले वो सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, फिर नायक बन गए थे। तो 1936 के ओलंपिक के समय मेजर ध्यानचंद लांस नायक के पद पर थे। जब उन्होंने बताया कि मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूं तो उस समय हिटलर ने कहा कि तुम जर्मनी की ओर से खेलो, जर्मनी की टीम में शामिल हो जाओ, सेना के अंदर मैं तुम्हें मार्शल बना दूंगा, मतलब मेजर से भी बड़ा पद मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे लिए रुपए पैसे से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेजर ध्यानचंद का स्वाभिमान देखिए, उनका सम्मान देखिए, उनकी राष्ट्रनिष्ठा देखिए कि उन्होंने हिटलर के उस ऑफर को ठुकरा दिया। उस समय यह माना जाता था कि हिटलर के ऑफर में पैसा बहुत है, मान सम्मान बहुत है और इसके साथ साथ भय भी है कि हिटलर को कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो हिटलर की आंखों में आंख डालकर भी अपने स्वदेश प्रेम के लिए अपने स्वाभिमान का परिचय देने का काम मेजर ध्यानचंद ने किया था। आजकल के लोग तो गेम किस लिए खेलते हैं, वो कहते हैं जी एक बार नेशनल खेल लिए सिफारिश से, हमें नेशनल पार्टिसिपेशन का यदि सर्टिफिकेट मिल गया तो हमें नौकरी लेने में आसानी होगी, वो नौकरी के लिए खेलते हैं। मेजर ध्यानचंद धन संपत्ति के लिए नहीं खेलते थे। मेजर ध्यानचंद की स्थिति क्या थी आप अंदाजा लगाइए। मेजर ध्यानचंद ऐसे थे कि जब वो पहली बार ओलंपिक में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो हॉकी फेडरेशन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेजर ध्यानचंद और उनकी टीम को भेज सके, तो पीएनबी से लोन लेकर जाने का काम किया। ओलंपिक में खेलने के लिए जाना है तो पैसे नहीं है तो पैसे कलेक्ट करने के लिए एंट्री फीस लगाकर लोगों से डोनेशन मांगते हैं और मैच खेलते हैं देश में अलग अलग हिस्सों में। जब विदेश में गए, जब जर्मनी में पहुंच रहे थे बर्लिन के ओलंपिक में, तो वो जब गए तो जब उनको एक जगह ट्रेन से जाना था यूरोप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ट्रेन में पेंट्री कार थी, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। इतनी दुर्दशा के अंदर वो रहे, इतने कम संसाधनों के अंदर वो रहे। मेजर ध्यानचंद को पेले और ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। हिटलर के इस ऑफर को ठुकराने के बाद स्वाभिमान के साथ वापिस आए और आप विडंबना देखिए कि जब 1936 में हमारी टीम तीसरी बार ओलंपिक जीतकर वापस आई थी तो मुंबई के पोर्ट के ऊपर केवल दो व्यक्ति उनका स्वागत करने वाले थे। उससे पहले मेजर ध्यानचंद को खूब सम्मान मिला है, लेकिन भारत के अंदर भी ऐसी स्थिति नहीं रही कि हमने अपने महापुरुषों का, अपने लोगों का सम्मान किया हो। यदि वही मेजर ध्यानचंद जर्मनी की ओर से खेलता तो शायद जर्मनी की सारी
खेल की अकेडमियों के नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होते, बहुत से स्टेडियम के नाम होते, उनके नाम से प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती, उनके नाम से अवार्ड दिए जाते, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं होता, भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ।